इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लोगों अल्लाह की नाफरमानी से डरो और डरते रहो, रोजी की तलाश में गलत तरीके इस्तेमाल ना करो ना ही इख्तियार करो। इसके लिए कोई शख्स इस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो अपने हिस्से का रिस्क ना ले ले या हिस्से की रोजी पूरी ना कर ले। ये हो सकता है कि इसके मिलने में, इसके अता में कुछ तखीर हो जाए, तो अल्लाह से डरते रहो। रोजी हासिल करने में अच्छा तरीका इख्तियार करो, हलाल रोजी हासिल करो, हराम रोजी के करीब भी ना जाओ, क्योंकि हराम रोजी की लानत, अल्लाह पाक की लानत उस शख्स पर पड़ती रहती है जो हराम तरीकों से रोजी कमाते हैं। आज जो मैं आपको वजीफा बताने जा रही हूँ बहुत नयाब है। तीसरा कलमा सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये लफ्ज आपने पढ़ने हैं और तीसरा कलमा भी आपने पढ़ना है। तीसरे कलमे की बहुत फजीलत आई है। سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم। आपने तीसरा कलमा 300 मर्तबा पढ़ना है। सुभान अल्लाह والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر, बस यहां तक। जब आप आखिर 300 मर्तबा का जो आखिर वाला लफ्ज अदा करोगे तो फिर आपने क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ये पढ़ना है। पहले आपने सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तक पढ़ेंगे और फिर आखिर में। ये कभी भी गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इतना लंबा जिक्र करते हो, 300 मर्तबा करते हो, किसी परेशानी में, दुख में, आजमाइश में, किसी भी किस्म में, लड़कियों की शादियों की, बेटियों की शादी, बहनों की शादी के लिए, भाइयों के किसी मसले के लिए, शादियों के लिए, कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए, जब ये काम, ये कलमा पढ़ के आप शुरू करोगे ना, यकीन माने अगर ये काम ना हो, मैं गारंटी से कहती हूँ, अगर आपका काम ना हो तो फिर इस बहन को कहिएगा, एक दफा ये अमल करके देखिएगा। मैंने इसलिए इतनी तफसील से बताया है कि गलती ना कीजिएगा कि जब आप 300 मर्तबा अव्वल आखिर 3-3 मर्तबा दुरूद शरीफ के साथ आप जब पढ़ते हो ना तीसरा कलमा, तो फिर जब आखिर में वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ते हो, तो फिर वो एकदम से अल्लाह पाक दुआ कबूल कर लेते हैं कि जब इंसान खुद को जालिम कहता है, पहले तुम रब की तारीफ करते हो और फिर उसके बाद खुद को जालिम कहते हो। मेरा नहीं ख्याल कि मेरा रब बहुत अजीम है, बहुत बुलंद है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरे वज़ाइफ पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऑनलाइन कुरान अकेडमी दुनिया की सबसे अच्छी कुरान अकेडमी बने। इजाजत दें, अपना ख्याल